हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक्सीलेंट शेयर के बारे में, जो पहले से ही मल्टी बैगर तो है ही, लेकिन अभी आरबीआई ने कुछ रिसेंट प्राइवेट बैंकों को लेकर अमेंडमेंट करी है, उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आने वाले टाइम में हमें आगे चल कर ये और भी एक्सीलेंट जो है प्रॉफिट या रिटर्न देने वाला है। तो इस शेयर का फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, उस न्यूज़ को ट्रैक करते हैं कि आरबीआई ने बेसिकली क्या अमेंडमेंट प्रपोज करी है। तो ये जो अमेंडमेंट है, बेसिकली ये प्रमोटर की होल्डिंग को लेकर है। अभी जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे उसके हिसाब से, देखिए मैं आपको एग्जिस्टिंग नॉर्म्स भी दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स थे उसके हिसाब से देखिए, 2019 के नॉर्म्स हैं। यहाँ पे पेज नंबर 6 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। किसी भी प्रमोटर को अगर कोई प्राइवेट बैंक स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्टिंग में जो उसकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम जो उसका शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो कम से कम 40% होनी चाहिए, जिसको वो अगले 5 सालों तक मेंटेन करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर होंगे उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है अपना 40% की होल्डिंग है उसको जो है डाउन लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, उसको डाउन लाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में इसको धीरे धीरे करके 30 एंड देन लगभग 15 साल तक उसको जो है अपनी होल्डिंग को 15% तक लेके आना होता है। यानी कि जब से बैंक का बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसके कमेंसमेंट के 15 साल के बाद तक, जो स्टार्टिंग में जो उसकी शेयर होल्डिंग मिनिमम 40% थी, उसको धीरे 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 कम करके अब वो मैक्सिमम 15% तक ही जो प्रमोटर है उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग रख सकता है। तो ये था हमारा एग्जिस्टिंग अभी जो नॉर्म्स थे, लेकिन अभी आरबीआई ने प्रपोज किया है कि जो हमारा 15% वाला जो नॉर्म्स था उसको, शेयर होल्डिंग वाला, तो उसको अमेंड किया जाए। एंड देन अभी प्रमोटर जो है 15 साल के बाद अपना जो स्टेक वो 26% तक ले जा सकता है। तो ये जो न्यूज़ है इंडसइंड बैंक एंड प्लस कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी बज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, हिंदुजा ने ऑलरेडी कहा है कि वो रेडी है इसके अंदर अपना जो इंडसइंड बैंक के अंदर अपना स्टेक अप करने के लिए, 26% तक वो ले जाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि प्रमोटर से बेहतर अपनी कंपनी का कोई नहीं समझ सकता। अगर प्रमोटर बोल रहा है कि मैं इसके अंदर अपने स्टेक रेज करूंगा, इसका मतलब उसको इसके अंदर अभी भी काफ़ी अच्छी वैल्यू दिख रही है। और ना सिर्फ प्रमोटर, इसके जो शेयर होल्डर हैं, जैसे कि LIC है, इसी नॉर्म्स के अंदर जो इसके शेयर होल्डर हैं, जो पहले 10% कैप थी उसको 15% किया गया है, तो LIC भी उसका बेनिफिट ले रही है। LIC के पास फिलहाल इंडसइंड के 5% की शेयर होल्डिंग थी, जिसको वो इंक्रीज करके 10% करने वाली है। यानी कि LIC और साथ साथ इसके प्रमोटर दोनों को इसके अंदर वैल्यू दिख रही है, इसीलिए सब इसके अंदर स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये तो होगी न्यूज़ की बात। चलिए अब फंडामेंटल और टेक्निकल फ्रंट पे भी एक बार इस बैंक को देख लेते हैं। इसके लिए हम आ गए हैं IndusInd के यहाँ पे ticker.finolology की साइट पे। यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 4 स्टार मिले हैं इसको आउट ऑफ 5। ओनरशिप देखिए 5 स्टार, वेरी स्टेबल, एफिशिएंसी एक्सीलेंट, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। और यहाँ आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो लगभग 16% के आसपास है, ये इसको बढ़ा के 26% करने वाले हैं। यहाँ पे अब नीचे शेयर होल्डिंग में देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 16% और डाउन देखते हैं, ये देखिए ये प्रमोटर जो है इनके IndusInd 16% की है। इन्वेस्टर के अंदर अभी आप अगर जाके देखेंगे तो देखिए LIC इसके अंदर इन्वेस्टर है। फंडामेंटल फ्रंट पे देखें तो इसकी जितनी भी रेशियो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीयर्स के मुकाबले PE भी काफ़ी कम है, PB है, EPS, ROE, ROA, NPA भी काफ़ी कम है। तो फंडामेंटल फ्रंट पे भी ये काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने
अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर फिर आप जाएंगे रैंकिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैंने बैंकिंग शेयर्स की जो रैंकिंग थी वो यहाँ करी थी। यहाँ आप लास्ट में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल मैं लास्ट में लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए कोटक महिंद्रा और इंडस आईएनडी बैंक, तो फंडामेंटली भी ये जो शेयर है वो ठीक ठाक है अपने पीयर्स के मुकाबले, यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ साथ फुल डिटेल आपको देखनी है तो यहाँ पे आप टिक डॉट फिनोलॉजी की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ ऐड टू कंपेयर करेंगे तो अदर बैंक के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे टेक्निकल फ्रंट की, यानी कि चार्ट फ्रंट की। तो यहाँ पे मैंने इसका इंडस आई एन डी का मंथली चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो व्यू है इंडस आई एन डी के अंदर वो लॉन्ग टर्म का है, इसलिए यहाँ पे हमने मंथली चार्ट लिया है। मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो इसका कहीं ना कहीं 2018 से, अगस्त 2018 से इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी नेगेटिव है। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होती है, फिर यहाँ से ये अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 1250 के आसपास उसका ब्रेक डाउन देता है। और कोविड की वजह से ये मार्च 2020 में अपना लो बनाता कहीं ना कहीं 230 से 240 के आसपास, फिर वहाँ से ये दोबारा से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ 240 के लो से इसने लगभग 1250 का हाई, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना तक इसने बुल रन हमारे यहाँ पे दे दिया है। तो चार्ट के अंदर अभी जो है रिबाउंड दिखाई दे रहा है, हालांकि कंप्लीट रिबाउंड जब होगा टेक्निकल फ्रंट पे, हम जब इसको वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए 2018 से वैलिड है पिंक कलर की लाइन, तो इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है, सस्टेन कर जाता है और वो लेवल होगा हमारा 1260 का। 1260 के ऊपर इसको एक वीकली क्लोजिंग कम से कम देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये सस्टेन करेगा। तो हम मान सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसने इसको निकाल दिया है। और जिस तरीके खबरें इसके अंदर आ रही हैं, प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, शेयर होल्डर स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है ये इस लेवल को भी निकाल दे। उसके बाद तो फिर इसके आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा ये रन दिखाएगा, फिर 1600 1800 और अपना जो ऑल टाइम हाई है लगभग 2000 उसको भी टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर टेक्निकल फ्रंट पे देखा जाए तो आपका जो सबसे रिस्क फ्री बाइंग लेवल होगा वो होगा 1260 का वीकली क्लोजिंग के बाद। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें, फिलहाल अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 950 से लगभग 1000 का एरिया, ये इसके लिए पूरा रेजिस्टेंस है। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक वीक सपोर्ट है इसका लगभग 850 के आसपास, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आता है वो है इसका 780 से 800 के जोन के आसपास। ये इसका अभी फिलहाल मंथली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमने इंडस आईएनडी का जो वीकली चार्ट है वो यहाँ लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं मार्च के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिबाउंड कर रहा है मार्च 2020 के बाद, और ये वाले जो पिंक कलर की जो ट्रेड लाइन है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रही थी। हालांकि इसने यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन दे दिया है, यानी कि अगर वीकली फ्रंट पे देखें, यानी कि जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वह कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये 1080 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, क्लोज करना शुरू कर दे, तो फिर ये हो सकता है 1180 और 1200 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो आपके लिए जो बाइंग लेवल रहेगा मेरे हिसाब से 780 से 800 के आसपास, अगर आपको ये कोई रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये जो मैंने एसएल बताया है ये है आपका मीडियम टर्म के लिए, तो 780 के एसएल के साथ आप इसको बिल्कुल यहाँ पे अगर मिले तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो जो सेफेस्ट बाय बनेगी आपकी वो बनेगी 1260 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे, देन उसके ऊपर सस्टेन करे। तो दोस्तों ये था इंडस आईएनडी बैंक के ऊपर मेरा पूरा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो, हमने इससे रिलेटेड न्यूज़ भी शेयर करी कि क्यों इसके अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। इंडस आईएनडी बैंक को हमने टिकर डॉट फिनोलॉजी की साइट पे भी इसके फंडामेंटल चेक लिए, अपने पीयर्स के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। साथ साथ मैंने जो वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स का कंपैरिजन किया था, वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले ठीक ठाक है। टेक्निकल फ्रंट पे, चार्ट फ्रंट पे मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल हैं आपके बाइंग के,
और साथ साथ मैंने आपको स्टॉप लॉस भी मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडस आईएनडी बैंक के शेयर से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।